नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 14 जून। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट बनते हुए देखी। हमने देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे टैरिफ की बातें मार्केट में आ रही है, हमने बड़ा फॉल, चाहे हम सोयाबीन की बात करें जहाँ पे वीक ऑन वीक 2% की गिरावट आई है, मस्टर्ड की बात करें जहाँ पे हमने 6.5% की बड़ी बिकवाली आते हुए देखी है, कैस्टर में भी हमने 0.5% की गिरावट आते हुए देखी। लेकिन सबसे बड़ा फॉल पूरे एग्री के अंदर जो आया है वो आया है पाम ऑयल के अंदर और रिफाइंड ऑयल में, जहाँ पे मार्केट 9% से ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि मलेशिया से जो डेटा पॉइंट आए हैं एक्सपोर्ट के वो अच्छे नहीं आए हैं। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि अटकलें लगाई जा रही है टैरिफ को लेकर, जिसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट थी। वहीं मसालों का भी ऐसा ही कुछ हाल था, जहाँ पे हमने देखा कि हल्दी में 1.5% की गिरावट, जीरे में 0.25% की गिरावट और धनिया 2.5% टूटता हुआ दिखाई दिया। मंडियां ओपन हुई है, अराइवल थोड़े बढ़े हैं, बट आप समझ के चलिए कि पाइपलाइंस खाली होने की वजह से वी डोंट सी के ऐसा कोई फ्री फॉल आएगा। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर हम मसाले की बात करें तो उसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिला जुला ट्रेड था। हम देख रहे हैं कि जब तक बारिश का कुछ अटकलें आगे नहीं आती, क्लैरिटी और सोइंग का डेटा नहीं आता है, तब तक गवार साइड वे टू नेगेटिव रह सकता है। मेंथा ऑयल ने, जैसे हमने पहले भी कहा था कि पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेंथा सबसे सस्ता लगता है, कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने अच्छी खासी बाइंग लौटते हुए देखी है। अराइवल प्रेशर रहेगा नो डाउट, बट इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। तो मेंथा जुलाई पे आप ध्यान रखिए, हमने जून में भी 3% से ज्यादा की तेजी देखी है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने हायर लेवल से प्राइजेस को टूटते हुए देखा है। एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है कॉटन में और कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट दोनों ही काउंटर में बन सकती है। चाइना 0.25% की गिरावट जरूर है, बट 5100 के नीचे जब तक नहीं निकलता है 5100 से 5250 के बीच में ही ट्रेड करेगा। शुक्रवार के सेशन में भी ऐसा कुछ ट्रेड बना हुआ था जहां पे हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट, मसालों में थोड़ी बहुत रिकवरी, चने में रिकवरी, गवार थोड़ा स्टेबल था। आज के लिए सोयाबीन में अभी भी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए गिरावट है, क्योंकि इंटरनेशनल में हमने 1480 का लेवल टेस्ट कर रहे हैं। तो सोयाबीन को बेच के चलिए, 6250 का टारगेट रहेगा, वॉलिटी ज्यादा रहेगी। रिफाइंड सोया ऑयल को बेचिए, 1240 का लेवल अगर तोड़ दे तो 1280 की लेवल हम देख पाएंगे। मस्टर्ड के अंदर भी बिकवालियां आनी चाहिए, जो 6600 तक का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर 6600 का लेवल तोड़ देता है तो सीधा 6150 तक का लेवल भी मस्टर्ड में देखने मिल जाएंगे। कैस्टर में दबाव है, 5000 का लेवल क्रुशियल है, 5000 का लेवल तोड़ने पे ही दबाव रहेगा, अदरवाइज मार्केट सपोर्ट पकड़ सकता है। मसालों के अंदर शुक्रवार की तरह आज हम लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटते हुए देखेंगे। चना 5120 से लेकर 5250 के बीच में रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में रिकवरी दिखा रहा जरूर था, बट प्राइजेस 2920 का लेवल तोड़ नहीं पाया है। इनकेस आज अगर 2880 का लेवल तोड़ता है तो फ्री फॉल रहेगा, जो 2820 तक का लेवल दिखा दे, गवार सीड गवार गम रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। वहीं मेंथा में बाइंग करके चलिए, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में तेजी है, सीपीओ में गिरावट है, जो 1010 का टारगेट के लिए बेच के चलिए, 1010 के नीचे 970 का सपोर्ट मिलेगा। वहीं कॉटन की अगर बात करें इसमें भी बिकवाली रह सकती है। चार्ट के लिए गवार में दबाव है, जो 4100 तक की लेवल हम देखने मिल सकते हैं, 100 के नीचे 4050 का सपोर्ट है। धनिया भी 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, 6650 के सपोर्ट से बाइंग करके चलिए, जो 6900 तक का लेवल दिखा देगा। रिफाइंड में डायरेक्टली सपोर्ट 1120 तक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो 200 डे मूविंग एवरेज का है, बिकवाली करके चलिए। चने में 5120 से लेकर 5250 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।